जलगांव कोविड केयर यूनिट के माध्यम से आज शनिपेट में ये 13वां मेडिकल कैंप है। अभी तक हमारे जलगांव शहर में 11 कैंप हो चुके हैं और रूरल एरिया में यानी नशीराबाद और पालदी में 2 कैंप हुए हैं। इस तरह से आज तक हमने पूरे शहर के कैंप में कम से कम आज तक के 40 से 42 हज़ार पेशेंट की वैद्यकीय तपासनी की है और नियर अबाउट 75 हज़ार से ज़्यादा लोगों का हमने सर्वेक्षण किया है। चूँकि कल 1 तारीख को हम ये गवर्नमेंट को और माननीय कलेक्टर महोदय को इसका डिटेल रिपोर्ट देने वाले हैं कि हमने कौन से एरिया में कितने लोगों को चेक किया, कितना सर्वेक्षण किया और कितने पॉजिटिव मिले और उनका हमने अगला ट्रीटमेंट क्या किया। इसी तरह से हमको और बहुत सी डिमांड आ रही है ग्रामीण विभाग से, साकली से है, भड़गांव से है, चोपड़ा से है, वहाँ पे भी हमारे जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा अलहाज अब्दुल गफ्फार मलिक ने, हम वहाँ पर भी एक कैंप लेने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एक कैंप में सर्वेक्षण और मेडिकल चेकअप के बाद एक 25 टाइप की दवा गोलियाँ मुफ्त में दी जा रही है, जिससे लोगों के अंदर का डर निकल रहा है। जिसको वायरल इन्फेक्शन है वो आराम से अपनी दवा बीमारी बता रहे और वायरल इन्फेक्शन उनका अच्छा हो रहा है। कोई मलेरिया वाला है, कोई टाइफाइड वाला है, कोई निमोनिया वाला है, उनकी सारी एंटीबायोटिक से लेके सी विटामिन से लेके मल्टी विटामिन की दवाई हमने रखी और आज खास गफ्फार भाई की डिमांड पे से हमने एक 25वां टॉनिक यहाँ पे लाए जो खास करके हमारे साफ सफाई कर्मचारियों के लिए है कि उनके वो टॉनिक से उनकी इम्यूनिटी पावर ज़्यादा बढ़ेंगी और इसके लिए उनको फ़ायदा होगा। इस तरह से ये कैंप हम यहाँ पे लगातार ले रहे हैं, इसमें किसी तरह का खंड नहीं पड़ रहा है और आगे भी लेते रहेंगे जब तक ये पूरा कोरोना यहाँ से खत्म नहीं होता, जब तक हम ये कैंप चलते ही रहे। के 3 बच्चे, मेरी वाइफ, मैं, मम्मी, पुप्पी और सर फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। पूछ के रख रावल, पूछ के रख। बच्चे इधर जा रहे हैं। दो बच्चे ना, होगा